क्या कर रही है गाय बस आफ्टर ईटिंग जंग इसके अंदर की योगा टीचर बाहर आ चुकी है जो कि हमें अब आसन सिखाएगी। नहीं तो कोई यही एक्सरसाइज करता छोड़ जाते हैं। चलो हरकतें तो चलती रहेगी। चलो चलो चल चलो आर यू एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड कौन लोग मैसेज कर रहे हैं। हाँ इलेक्शन कमीशन वाले मुझे भी दिख के 10 मैसेजेस कर दे प्लीज। वो पंजाबी में दिख के भेजती मेरे को पंजाबी आती नहीं है। मैं जंक्शन से बोलती हूँ कि वो कहते प्लीज वोट दो मैं आई रही है। फोन भी आया क्या कह रहे थे वोट तो हम डालने जा ही रहे हैं। मेरा तो मना सर्टिफिकेट नहीं होगा भी कमेंट्री कर रहा है ना। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया ना 5 जून को इंडिया वर्सेस आयरलैंड का पहला मैच। इरफान पठान कमेंट्री चल रही है यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की। मम्मी को बस 83 का वर्ल्ड कप याद है कपिल देव वाला। हमारा ऑर्डर इसे देखना गाइस ने मेरी तरफ कर दी है। ये जरा उस तरफ करो स्ट्रॉबेरी कोकोनट केक सॉरी सिर्फ स्ट्रॉबेरी केक खट्टा मीठा है देखो बताइए चॉकलेट वाली चॉकलेट गाइस डन। सबके हाथ में चम्मच है और ये प्लेट सबूत है हमने सारा खा चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर बेल्जियम चॉकलेट टार्ट। चार्ट इज हियर गाइस जल्दी कर ऐसे ही देखो कैसे कैसे हाँ टेस्टी है ना क्रंची ने ऐसा है वो क्रंचीज है ना गाइस इसके ऊपर। ये देखो 3 चम्मच एक साथ घुसे अंदर और सबसे बड़ी बाइट है इसकी लड़की की देख लो देख लो अब कैसे है टेस्टी है ना गाइस। अब हम वॉशरूम जा रहे हैं फ्रेशन अप होने। वॉशरूम में क्या चीज दिखाने वाली है ये पिजन ना। अच्छा तो हाँ ये पिजन का मुंह नहीं है। अच्छा वैसे 2 घंटे से पिजन यहीं बैठा है नियर फाउंटेन इसको मजे आ रहे हैं। चलो चले वॉशरूम। इनका वॉशरूम भी गाइस नेक्स्ट लेवल है। कौन क्या कर रहा है पागल। मैं हूँ आउटफिट गाइस ये क्या कर रही है गाय बस आफ्टर ईटिंग जंग इसके अंदर की योगा टीचर बाहर आ चुकी है जो कि हमें अब आसन सिखाएगी। बिकॉज यू हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म। तो देखो मैं ऐसे एक्सरसाइज करती हूं। चले हम नहीं तो कोई यही एक्सरसाइज करता छोड़ जाते हैं। चलो हरकतें तो चलती रहेंगी। चलो चलो चल ये देखना मैं धक्का मार के चल। चलो झूला लेना है झूला ले झूला लेना है। पापा तो पहले शुरू हो जाते झूला लेने खा पी खाया पिया ना जो सारा अच्छे से हजम हो जाएगा इस झूले पे बैठ के। ये तो खाने से पहले अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलो यार
थी। ये मेरे को कहाँ आ गई मैं देखने तो पहले धक्का मारेगी। आफ्टर रीचिंग अ लॉज अब मेरा जो काम है पूरी जर्नी में कॉन्ट्रीब्यूशन वही होगा पीछे सोने का। खा पी लिया एंड नाउ आई एम गोना स्लीप द होल जर्नी। चल नहीं मैं तो पीछे को पता था मैं पीछे बैठी मेरे पैर से। चलो यार मैं तो उधर से बैठी। चलो लेट्स सिट। ये मेरा पर्स देखना कहाँ फेंका हुआ इसने पैरों में। फेंका नहीं हुआ वो जान कर। कुछ भी कहूँ मजा बहुत आया लेकिन खा पी के है ना एंड टेस्टी टेस्टी। हाँ सब कुछ बहुत टेस्टी था। हाँ निक्स वाले ना बहुत प्रॉपर मीठा डालते हैं ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा तो बैलेंस होता है वो। हाँ ना ज्यादा ज्यादा हेजलनट वाली है ना न्यूटेला हेजलनट उससे बेटर नहीं। हाँ मुझे भी हेजलनट वाली ज्यादा अच्छी लगी जो मैं आज बेल्जियम का ही उससे बेटर मेरे को हेजलनट ओरियो टार्ट अच्छा लगता है। हेजलनट ओरियो टार्ट हमने सोचा ना कुछ नया ट्राई करते हैं बेल्जियम तो बट बेल्जियम की जगह इट्स हेजलनट दैट इज मच मोर बेटर देन दैट। रात को व्यू देख लो आप ढाबों की लाइटें ऑन हो जाती हैं सारे। चलो अब लेट्स गो टू स्लीप। 1 hour later कैमल एंड हॉर्स। फोटो नहीं बैठ ही जाते उसके ऊपर। मैकडॉनल्ड्स गाइस नहीं मैं नहीं लेके जा रही। चल मैं उठा लेती हूँ बिकॉज़ मेरा तो बहुत ही भारी है। चलो गाइस लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड्स। गाइस वी हैव कम टू मैकडॉनल्ड्स टू ड्रिंक कॉफी एंड टी एंड क्या ऊंटी के साथ फोटो लेनी है। चलो ये पापा कह रहे हैं ऊंटी वहां पे ना कैमल एंड हॉर्स खड़े हैं पापा कहते हैं उसके साथ फोटो खिंचवा। चलो चले कैमल एंड हॉर्स के पास। ये लोग इतनी रात को क्यों खड़े हैं पता नहीं आई गेस अब लोग फोटो खिंचाते होंगे इनके साथ जैसे कि पापा। बस कर जो पापा इतने बड़े बड़े बच्चे कैमल राइड मैं आप चलो चलो यार पापा कह रहे कैमल राइड। चलो खड़ो फोटो खींचू। नहीं नहीं भैया फोटो खिंचानी है पापा रहने दो यार फोटो खींच लो। So guys, you can see camel behind me. Hi. तुमने तो नहीं फोटो खींची घोड़े के साथ? नहीं घोड़े के साथ भी खींच ली। अरे यार हाय कैमल पापा मत करो यार पंगे मत ले जाओ। So guys, after an amazing photo shoot with horse and camel, अब हम फाइनली मैकडॉनल्ड्स आ रहे हैं एंड ये वाले मैकडॉनल्ड्स से हम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बाद आ रही हूँ मैं। जब मैं इतने छोटे छोटे थे ना तब आए थे एंड मम्मी कहती जब तुम इतने छोटे छोटे थे तब आए थे। वाह तो अब हम दोबारा यहाँ आ गए आफ्टर 15 ईयर्स। चलो चले मैकडॉनल्ड्स। सो गाइस हमने आइस हमने क्या ऑर्डर किया आइस फ्रैपे आइस कॉफी फ्रैपे किया ऑर्डर एंड एक लाते ही है स्मॉल कॉफी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर एंड इतना रश है यहाँ पे आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। माय गॉड सो मच रश एंड इसके पीछे भी है रश एवरीवेयर रश रश रश। आज रश क्यों है वीकेंड है इस वजह से होता ही है बिकॉज ये हाईवे पे ऑफ कोर्स तो रश तो हो गई एंड वी आर ऑन द इवन आवर्स तो रश तो हो गई। कॉफी की वेट करते हैं गाइस आवर ऑर्डर इज हियर। नहीं नहीं पूरे और ये थैंक यू गाइस आवर ऑर्डर इज हियर। कितना सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है इन्होंने कॉफी पे माय कॉफी फ्रैपे से। मेरा भी खोलना मेरा मेरे को दिए लेट्स टेस्ट इट। बहुत टेस्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग है बट टेस्टी है। नाइस कैसी है ना
पापा आपकी कैसी है कॉफी? नाइस हॉट कॉफी। पापा का तो कंपैरिजन ही चलता रहता है। बताओ अच्छा है ना? वाओ गाइस सी अमेजिंग यार, ये व्हिप्ड क्रीम है या आइसक्रीम नहीं है? अरे उसको उसके साथ मिक्स करना होता है, मिक्स कर दिया व्हिप क्रीम को। देखना दोनों ही पकड़ के घुमा दी। ये क्या कर रही है पापा? पापा तो अपने साइड हो गए कॉफी लेके, साइड में मिक्सी चला दी है इसने। चल यार ये क्या, वो दोनों से पी रही है, मेरी भी झूठी कर दी। कैसे देखो ये बच्चा क्या कर रहा है अपने पापा को, अपने पापा को धक्का मार के कहता मैं करूंगा ऑर्डर। उसकी हाइट भी नहीं पहुंच रही। क्या ही कर रहा है ये बच्चा, माय गॉड। उसके पापा हार मान के साइड हो गए, कर दीजिए ऑर्डर। चलेगी उसको छोड़ के, वो क्या कर रहा है? बच्चे भी ना गाइस। अब आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, लो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही है रात को। तो मेरे साथ आई है बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लेने, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, वहीं चलते हैं बास्किन रॉबिन्स। ये गई है गाइस, आपको जो लाल टी शर्ट में और येलो कुर्ती में दिख रहे हैं लोग, वो मम्मा और मैदा जो आइसक्रीम लेने गए हैं बास्किन रॉबिन्स की। इधर दिखा, देखना पतली गली से निकल गई। इधर दिखा क्या लाइए, आमंड चॉकलेट भी लाए। माय गॉड आमंड चॉकलेट, अपनी आइसक्रीम देखना। माय गॉड वीडियो में भी नहीं दिखा रही, अपना साइड से निकल जा रही। कैसी है? हाँ वो तो अच्छी होएगी। आपकी भागी, मेरे को तो खिलाई नहीं। खिला आइसक्रीम, इतनी बड़ी बाइट नहीं, छोटी सी खिला दे। इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी नहीं है, देखना नहीं हो रही ना ब्रेक, छोटी सी खिला दे। टेस्ट खिला, तंग करने जा रही है। आमंड आने चाहिए इसमें। नाइस, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। टेस्ट मम्मा अच्छा लगा, मम्मी के तो फेवरेट आइसक्रीम्स। गाइस आज बहुत खाया पिया गया है। कल मैंने सोचा था वर्कआउट नहीं करूंगी क्योंकि कल वोट डालने भी जाना है, एंड सुबह सुबह काफी चीज मैंने और नहीं खानी। नहीं बस नहीं खानी, मैंने इतनी नहीं खानी ना, वेस्ट हो गई। घर ले जाना, तो कल वोट डालने जाना, तो काफी कुछ है सुबह करने वाला, बट आई गेस मुझे वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा मिनिमम हाफ एन आवर का। जितना खाया है ना आज, इतना भी नहीं खाया, बट शाम को इतना खाने की आदत नहीं है गाइस, तो अब वर्कआउट इज मस्ट। फिर भी मैं खा लूंगी। वी हैव रीच्ड लुधियाना, मोंटे कार्लो इज हियर। सो गाइस फाइनली मैं लुधियाना पहुंच चुकी हूँ अपने घर में, एंड बहुत मजा आया पूरी जर्नी में, बहुत मजे किए। मतलब 2 घंटे का रास्ता होता है, वैसे नहीं तो 3-3.5 घंटे लगे पहुंचने में, क्योंकि हम रुक रुक के आए हैं मजे करते करते एंड खाते पीते। तो काफी मजा आया पूरे जर्नी में, एंड आई होप आपको भी मजा आया व्लॉग देख के। तो ऐसे व्लॉग्स को प्यार करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।